हेलो दोस्तों, हमारे इस खास सेगमेंट में आज मैं आपको बताने वाली हूँ पांच ऐसे ब्रांड्स के बारे में जो दिखने में और सुनने में लगते हैं विदेशी लेकिन है बिल्कुल देसी, यानी कि इंडियन ब्रांड्स जो आपको अब तक लगता था कि शायद विदेशी हैं। सबसे पहला मोंटे कार्लो। मोंटे कार्लो लुधियाना के पास नाहर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ ब्रांड है, वो इसका मालिक है और आपको पता ही है ये होजरी और वुलन से डील करता है और इसकी जो प्रीमियम रेंज है उसे मोंटे कार्लो का नाम दिया गया है जो कि लुधियाना में ही स्थित है। और इसके बाद आता है बारी आती है एलन सोली की। एलन सोली जो है मधुरा फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ ब्रांड है, आदित्य बिरला ग्रुप के साथ इसकी सब्सिडियरी है और मैं आपको बता दूं कि 29 राज्यों में इसके 293 आउटलेट्स हैं। इसके अलावा बात आती है पीटर इंग्लैंड की। पीटर इंग्लैंड भी सुनने में विदेशी लगता है। पीटर इंग्लैंड भी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ ब्रांड है जो कि शर्ट्स, पैंट्स, ट्राउजर्स, हर तरह के कपड़े बनाता है, लेकिन इसके पास फीमेल रेंज नहीं रहती, यानी कि अभी तक फीमेल्स के लिए इसने कोई भी ऐसी चीज नहीं बनाई है। इसके बाद बात करेंगे हम अगले ब्रांड की, वो है L&T, यानी कि लार्सन एंड टूडो। लार्सन एंड टूडो डील करता है इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड फाइनेंशियल डील्स के साथ और ये इंटरनेशनली भी काफी फेमस है। इसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है L&T। इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में स्थित है। इसके बाद सबसे एंड में मैं बात करूंगी रॉयल एनफील्ड की, जो कि भारत में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है, युवाओं में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। पहले ये विदेशी ब्रांड था लेकिन अब ये पूरी तरह से इंडियन है। 1955 में मद्रास साइकिल्स के साथ इसका गठजोड़ हुआ, उसके बाद 1971 में इसका पूरी तरह से दिवालिया निकल गया, लेकिन फिर इसके बाद इसको रॉयल एनफील्ड के नाम से लॉन्च किया गया।